नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। मैं हूं संजय राजन। दोस्तों, वैसे तो आम सभा चुनाव के बाद केंद्र में मोदी सरकार पार्ट थ्री बन चुकी है और सरकार पूरे दमखम के साथ विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए पूरी रफ्तार पकड़ भी ली है। लेकिन इन सबके बीच अभी भी देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हुए आधा से ज़्यादा सीटों के नुकसान को लेकर समीक्षा का दौर जारी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जीत हार का जमीनी हकीकत जानने के लिए 60 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन कर दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आधा से ज़्यादा सीटों पर जीत को लेकर उत्साहित नजर आ रही है। दोस्तों, अब समझिए, एक आंकड़ा आया है जिसके जरिए यह समझा जा सकता है कि आखिर क्यों बीजेपी उत्तर प्रदेश में करारी शिकस्त को लेकर परेशान है। जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं को देखें तो 177 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे रही, जबकि 80 लोकसभा सीटों में से केवल 9 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी सारे विधानसभा जीतने में कामयाब रही। इसमें वाराणसी, कुशीनगर, आगरा, मथुरा, हाथरस, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और बागपत लोकसभा सीट शामिल हैं, जबकि समाजवादी पार्टी लोकसभा परिणाम के मुताबिक 221 विधानसभाओं में आगे रही और 80 में से 14 लोकसभा सीटों को सारी विधानसभा सीट जीतने में कामयाब रही। इनमें अंबेडकर नगर, बाराबंकी, जौनपुर, रॉबर्ट्सगंज, गाजीपुर, घोसी, आजमगढ़, लालगंज, अमेठी, रायबरेली, कौसाम्बी, कन्नौज, मैनपुरी और मुरादाबाद की लोकसभा सीटें आती हैं। वहीं आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने नगीना लोकसभा सीट की सारी 5 विधानसभा सीट जीतने में कामयाबी हासिल की है। दोस्तों, ये आंकड़ा सूबे की सियासत में कुछ खास संदेश दे रहा है। दरअसल ये वो आंकड़े हैं जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को तो परेशान कर रही हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के 2 प्रमुख धड़े कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सुकून दे रहा है। इस आंकड़े के इर्द गिर्द सत्ता पक्ष और विपक्ष मिशन 2027 को लेकर अपनी अपनी रणनीति बनाने में अभी से जुट गए हैं। दोस्तों, एक आंकड़ा और है जिसे इस परिणाम से जोड़कर देखा जा सकता है, वो है पिछली लोकसभा चुनाव और 2024 के आम सभा चुनाव में दलित वोट बैंक का बड़े पैमाने में इंडिया गठबंधन को समर्थन हासिल होना। एनडीए को जहां 2019 में 31% दलित वोट बैंक हासिल हुआ, वहीं 2024 में ये घटकर करीब करीब 19% तक हो गया। यानी यूपी में सीटों के बड़े उलटफेर के लिए कहीं ना कहीं ये दलित वोट बैंक ही जिम्मेवार माने जा रहे हैं। चलिए, आज हम इस गुणा भाग पर एक बेहतरीन पैनल के साथ चर्चा करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में इस बार जो सियासी समीकरण था वो बिल्कुल बदला हुआ था। राष्ट्रीय लोकदल, जो पहले इंडिया गठबंधन के साथ थी, वो एनडीए का पार्ट हो गई और मायावती, जो समाजवादी पार्टी आरएलडी और आरएलडी के साझा गठबंधन में 2019 में चुनाव लड़ी थी, इस बार मायावती ने अपने आप को अकला चलो के राह पर इस चुनाव में उतार दिया था। निश्चित तौर पर इसका परिणाम देखने को साफ तौर पर देखने को मिला। हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में निश्चित तौर पर सारे सियासी दलों ने अपने अपने स्तर से अपने अपने आकलन अभी से शुरू कर दिए हैं। सुझाव तो ये भी आया है कांग्रेस की ओर से कि मायावती अभी भी इंडिया गठबंधन के साथ हो लें तो शायद उत्तर प्रदेश में और बड़ा करिश्मा होगा। ये कोई और नहीं बल्कि ये निमंत्रण दिया है कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने। चलिए, क्या कुछ होता है इस मामले में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेरे पैनल जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जयप्रकाश जी का स्टूडियो में स्वागत करेंगे। जयप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी प्रशांत सिंह राठौर इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए यश भारतीय हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाने में हम सहयोग लेंगे राजनीतिक विश्लेषक विनय तिवारी जी का। विनय जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आप ही से करते हैं। जो हमने आंकड़े रखे हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती हो रही है। अगर 2027 के मिशन की बात की जाए इस लोकसभा चुनाव में, क्योंकि जैसा कि आंकड़ा सामने आ रहा है, 177 विधानसभाओं में ही भारतीय जनता पार्टी आगे रही है, जबकि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन, या कह लें समाजवादी पार्टी प्लस यानी इंडिया गठबंधन, 221 विधानसभा सीटों पर इस चुनाव में आगे रही है। क्या कुछ संदेश और संकेत दे रहा है?
संजय जी, देखिए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं उनसे सीधा सीधा विधानसभा चुनाव की तुलना करना अपने आप में नाइंसाफी है। लोकसभा चुनाव के मुद्दे और उनका जो परिस्थितियाँ होती हैं वो अलग होती हैं। वो एक केंद्रीय चुनाव होता है, पूरे हिंदुस्तान के मुद्दे उसमें हावी रहते हैं। बहुत सारी पार्टियाँ, जितनी पार्टियों का गठबंधन इंडिया में हुआ है, क्या यूपी में वो पार्टियाँ सारी के सारी जो है मतलब अपना जनाधार रखती हैं? नहीं। यहाँ पे क्या है कि जो लोकल विधानसभा जब चुनाव होगा तो यहाँ के लोकल मुद्दे उसमें हावी होंगे। लॉ एंड ऑर्डर, किसानों की समस्याएं, छुट्टा जानवर और जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पे। और वहीं विपक्ष में अगर भाजपा के, कांग्रेस और समाजवादी ही खड़ी होगी, क्योंकि जी दूसरी अन्य जो पार्टियां जो हिंदुस्तान में और दूसरी जगह से जो है चुनाव लड़ती हैं उनका उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। तो जब विधानसभा का चुनाव यहाँ पे होगा तो वहाँ यहाँ पे सीधा एनडीए और इंडिया ना होकर भाजपा वर्सेस कांग्रेस और समाजवादी ही होगा। लोकल चुनाव, हालांकि हिंदुस्तान में यूपी और बिहार, वो चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, यहाँ पे सामाजिक समीकरण, जो जातीय समीकरण है, वो हर मुद्दों के ऊपर हावी रहते हैं। और जब विधानसभा का चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर यहाँ का जो जातीय समीकरण है वो प्रमुखता से हावी रहेगा। जो दल या जो घटक इन समीकरणों को साधने में सफल रहेगा, निश्चित तौर पे उसको विधानसभा के चुनाव में एज मिलेगा। ठीक है प्रशांत जी, आवाज आ रही है? प्रशांत जी आवाज आ रही है? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आप बोलिए। जी, सवाल यही है कि मंथन का दौर जारी है, आप लोगों ने तो टास्क फोर्स भी बना दिया है कि क्या हार की वजह रही उसका वो आकलन करेगी टास्क फोर्स, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर आपके लिए एक बड़ी चुनौती खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जैसा कि विनय जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव अपने जगह होता है, विधानसभा चुनाव अपने जगह होता है, लेकिन आकलन तो राजनीतिक पंडित करते ही हैं ना, इस मायने में कि भाई जहां जिसकी विधानसभा में ताकत होगी संभवतः लोकसभा में उतनी ही सीटें उसको आएंगी, और लोकसभा में जितनी सीटें जीतेंगे विधानसभा में भी संभवतः राह उतना ही आसान हो जाएगा। अगर बात नहीं हो पाएगी। जी हेलो जी बोलिए। संजय जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, बोलें बोलें प्रशांत जी। जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे कि अभी हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उन्होंने बताया भी कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों अलग-अलग चुनाव हैं और दोनों में जनता के बीच में मुद्दे भी अलग-अलग होते हैं, इसलिए उसकी तुलना करना एक तरीके से ठीक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के 2027 की चुनाव की तैयारी के और समीक्षा के विषय में बात है, तो आपको जैसे ही पता होगा, सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव के बाद दूसरे अगले चुनाव की तैयारी करने लगती है। लेकिन अगर आप विधानसभा वाइज एक डेटा आप बता रहे हैं, दिलाना जी चाहूंगा कि 2004 में भी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी ने 35 सीटें जीती थी, और उसके बाद जब 2007 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो उनका सुपड़ा साफ हो गया और वो 97 सीटों पे आ गए। जी तो ये तुलना तुलना हो नहीं सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में विधानसभा और प्रदेश के जो मुद्दे होते हैं उन पर चुनाव होता है। विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें लाइन ऑर्डर का इशू होगा, प्रदेश में कितना हमने विकास किया उसका इशू होगा, और उस पर ही जनता वोट करेगी। लेकिन बात यह है कि जो झूठे वायदे और जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो विजय हासिल की है, अब उन्हीं मुद्दों को लेके जो 1-1 लाख रुपए मांग रही हैं महिलाएं, कांग्रेस के दफ्तर पर जा रही है और समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर जा रही हैं। और इनका जो गठबंधन था, जिस गठबंधन के साथ ये लड़े थे, वो गठबंधन अब बिखरने और टूटने की कगार पे आ गया है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे पंजाब हो।
और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कितने दिन साथ रहेंगी ये देखने वाली बात होगी। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों का कोई भी आगे का कार्यक्रम चलने वाला है, क्योंकि यह जो गठबंधन था यह था एक दूसरे को जो 12 लाख करोड़ के घोटाले में जो पूरा विपक्ष का नेतृत्व तो भागा फिर रहा है, एक दूसरे को बचाने का था, लेकिन अब वो उद्देश्य कहीं पूरा होता दिख नहीं रहा 2029 तक, तो अब यह गठबंधन चलने वाला नहीं है जी। चलिए जयप्रकाश जी, भाई आप लोगों के हौसले बुलंद है, लेकिन प्रशांत जी कह रहे हैं कि ये कुछ चलने वाला नहीं है। एटिया गठबंधन को लेकर के तमाम तरह के कयास चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी अभी तक अपना जो मूड है उसमें कोई बदलाव करती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। आज अजीत पवार गुट में जो महाराष्ट्र में हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। उद्धव ठाकरे के भी कुछ अपने ही तेवर देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब चुनौतियाँ तो आपके सामने हैं ना, इन सब के बीच आप मायावती को कह रहे हैं कि वो साथ आ जाएं तो शायद उत्तर प्रदेश में कुछ करिश्मा हो जाए। देखिए संजय जी, हमें तो बड़ी हंसी आ रही थी लेकिन बड़ा आश्चर्य भी हो रहा था। प्रशांत जी जो बोल रहे थे वो कह रहे थे कि लोकसभा अलग होती है, विधानसभा अलग होती है, ये तो दुनिया जानती है, भारत संघ राज्य है। लेकिन आपके डबल इंजन में जो तथा कथित एक महामानव थे मोदी जी, तो एक अकेले आदमी की सरकार चल रही थी, सदन में भी वो जो है छाती पीट के एक अकेला आदमी कहते थे, अब तो खैर वो बायोलॉजिकल ऑर्डर के ही नहीं थे, खुदा हो गए थे। तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि लोकसभा वाला जो एंगल था वो अलग है, हमारी ताकत यहाँ है, तो योगी और मोदी वर्सेस जो अभी मीडिया में कयास लग रहा था वो उसको इन्होंने सिद्ध कर दिया। आपको कहने का हक नहीं है क्योंकि आप तो एक ही नेतृत्व को मानते थे, अगर एक को खारिज कर दिया गया है तो दूसरे में क्या बचा है आपका। और दूसरा जहां तक सवाल ये है कि आप ये गठबंधनों के बिखराव का या ये मसला है ही नहीं है, वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ थी, जो नेतृत्व था, वो निश्चित रूप से जो आधी आबादी, अकलियत, पिछड़ा, दलित, किसान, गाँव, गरीब, तो ये जो हाशिए का समाज है वो इनके नीतियों से, इनके आचरण से परेशान था। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए तो ये हिंदूवाद का नारा जरूर लगाते हैं, लेकिन इनके हिंदूवाद की संकीर्णता सोचिए कि अखिलेश यादव वो भी तो हिंदू है, लेकिन उनके मुख्यमंत्री कुर्सी पे गंगा जल डाला गया, ये कौन सा मनुवादी, कौन सा सामंती सोच है। पहली एक बार यही नहीं हुआ, कन्नौज में वो मंदिर में चले गए तो मंदिर को फिर पवित्र किया गया, तो इससे जाहिर बात है। उसके बाद दूसरा ये देखा गया कि इन लोगों ने जिस ढंग का पैटर्न अपनाया चुनाव में, मतलब हद तो ये हो गई, ये माना जाता है कि एक फासिस्ट सरकार लास्ट में जो है सैन्य बल पे आ जाती है, जितने टॉप माफिया थे उत्तर प्रदेश के उन सबको चुनाव प्रचार में लगा दिया गया। मतलब धनंजय सिंह बस्ती में प्रचार कर रहे हैं, जो दल बदल करने के बाद अभय सिंह को ड्यूटी लगा दी गई, पूरा चंदौली बनारस ब्रजेश सिंह संभाल रहे थे, विनेश सिंह का कारवां चल रहा था। तो अब ये लोग जब अपने हजार हजार गाड़ियों का कारवां लेके दलित बस्तियों में जा रहे थे, पिछड़ों की बस्तियों में जा रहे थे, तो अब ये कोई हृदय परिवर्तन भूदान आंदोलन के लिए तो जा नहीं रहे थे। तो सीधी सी बात है, जो दलित वोट बैंक बदला है उसको ध्यान से देखने की जरूरत है। एक तो इनका जो आतंक का वातावरण था, जिस तरह अपराधियों को आगे करके मुख्यमंत्री जी मतलब उनको डराने का प्रयास किया, और मुख्यमंत्री की मंच पे भाषा भी वही रहती थी। दूसरा जो सबसे मतलब खतरनाक चीज इनकी थी कि इन्होंने जैसे आरक्षण को खत्म कर दिया, आरक्षण को खत्म इस सेंस में किया पब्लिकली कि इन्होंने संविदा और आउटसोर्स की कल्चर को डेवलप किया। जाहिर सी बात है जो खाली पद है, 30 लाख पद तो खाली ही है ना, सरकारी भर्ती परमानेंट बनने के बाद आप आउटसोर्स कर रहे हैं, तो अब वो 15,000-20,000 पे उस परिवार का एक व्यक्ति, उसमें 50% आरक्षण है ना उत्तर प्रदेश में, 50% से जो पिछड़े और दलित भाई इम्पावर होता उनका फैमिली, क्या 15,000 रुपया से इम्पावर होगा, उनके समझ में नहीं आ रहा था। तो एक तो सरकारी रीतियों पे इन लोगों ने बंटाधार कर दिया था, और सहभागिता का आलम यह है कि क्या इनको, हम बनारस में थे, बनारस में जो मतलब आपने दलितों का तो दिया है, मतलब बड़े पैमाने पे कुर्मी वोट मिला अजय राय जी को, कारण उसका जान लिया, वो लोग सारे कुर्मी भाई यही कह रहे थे कि हमें सुदामा पटेल का बदला लेना, मतलब सुदामा पटेल को MLC का उम्मीदवार घोषित किया गया इसी भाजपा के द्वारा, और उसको हरा के और एक सबसे बड़े माफिया परिवार को सदन में भेज दिया गया, जो पिछड़ों को मालूम नहीं है। आप उच्च सदन का जरा आंकड़ा उठा के देख लीजिए, कहां है दलित, कहां है पिछड़े। तो स्वाभाविक बात है कि आप कहेंगे कुछ जरूर, लेकिन जब काम सत्ता में सहभागिता देनी होगी तो एक खास जाति या एक खास वर्ग को आप प्रतिनिधित्व दे देंगे, तो इससे वो पूरा वर्ग ठगा महसूस कर रहा था। और रियल में
जो मतलब इंडिया गठबंधन के हक में दलित भाइयों का ध्रुवीकरण हुआ है उसकी तो हिस्ट्री रही है, आप जानते ही है, क्योंकि अगर देखिए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब से जन्म हुआ था तब से ही राणा डे सोशल कॉन्फ्रेंस करते थे, महात्मा गांधी की हरिजन यात्रा हुई थी और राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा हुई है उसका एक सामाजिक आधार है, क्योंकि वो गांव गरीब एकदम हाशिए के आदमी को मुख्य धारा में लाने के लिए है। और हमारे पार्टी में एक चीज का जो बेसिक फर्क है जिससे शिकस्त हुई है मैं वो बता दूं एक मिनट में कि देखिए गठबंधन इसके पहले भी होते थे लेकिन प्रायः ये होता था, बहन जी के भी साथ हुआ, अखिलेश जी के साथ हमारा भी हुआ था, लेकिन ये शीर्ष नेताओं के पीसी पे हो जाता था, रोड शो पे हो जाता था, चुनावी सभा में जो रूट लेवल है बूथ स्तर पे जिला इकाई के स्तर पे कार्यकर्ताओं में परस्पर संपर्क सहयोग समन्वय का अभाव रहता था जी। और ये हमारी पार्टी ने रीड कर लिया। तो हमारे जो संगठन के बड़े नेता हैं अविनाश पांडे जी जब प्रभारी बन के आए तो उन्होंने इस कमी को भापा और केवल हमें 17 सीटें मिली थी गठबंधन में, लेकिन पूरी 80 की 80 लोकसभा पे अविनाश पांडे जी के नेतृत्व में समन्वय बैठकों का जो दौर चला उससे यह तय हो गया कि जो गठबंधन घटक दलों के कार्यकर्ता थे उनमें परस्पर संपर्क सहयोग स्थापित हुआ। और हर जगह हम लोगों ने रीड किया कि दलित वोटों में बड़ी बेचैनी थी, हर जगह बाबा साहब की प्रतिमा संविधान की प्रति दी जा रही थी और ये बड़ी आशा से देखा जा रहा, तभी लग रहा था कि ये जो है दलित वोट फिर से कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के साथ आ गया। चलिए और इनका साफ होना, उसमें भी अभी आंकड़ा है मेरे पास, उसमें भी चर्चा कर लेंगे। यश भारती जी आवाज आ रही है? यश जी मैं सुन पा रहा हूँ आप जी। भाई आप लोगों को सफलता तो बहुत अच्छी मिली है, 221 प्लस विधानसभा सीटों में आप लोग जीते हैं, लेकिन सवाल यही है कि चुनौती अभी भी कम नहीं है क्योंकि 2027 तक इस रिदम को बनाए रखना, कार्यकर्ताओं का उत्साह इसी तरह रखना, कांग्रेस के साथ आपका जो साझेदारी है वो यूं ही बरकरार रहे, ये एक बड़ी चुनौती होगी मेरे ख्याल से। देखिए राजनीति कर रहे हैं जनता के बीच के लिए कर रहे हैं, जनता के बीच में हम उनकी मुद्दे लेके जा रहे थे जो सरकार के नीति रीति गलत थी, वो लगातार सरकार को बताने का काम कर रहे थे कि आप गलत नीतियां बना रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, जनहित के फैसले हों उसके लिए लगातार सत्ता को चेता रहे थे, जो एक मजबूत विपक्ष का काम वो लगातार माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। लेकिन सत्ताधारी दल ने क्या किया, जब कन्नौज जा रहे हैं विरोध दर्ज कराने के लिए, लखनऊ जा रहे हैं विरोध दर्ज कराने के लिए, तो उनकी गाड़ियां सीज कर देना, रोक देना, मजबूरी में वो घर से पैदल निकलते हैं, धरने पे बैठना पड़ता है, तो तमाम पूरा सब लाठियां बांधी गई, झूठे मुकदमे लगाए गए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, नेताओं के ऊपर मकान धोए गए, तमाम ऐसे काम किए गए जिससे समाजवादी पार्टी कमजोर हो, जनहित के फैसलों के लिए सरकार ना बनाए और उसका परिणाम देखने को मिला। जिस तरीके से लगभग 70,000 शिक्षकों के फैसले आए कोर्ट के माध्यम से लेकिन सरकार नौकरी देने को तैयार नहीं है, जो पद खाली है आरक्षित वर्ग के वो अपने आप में एक अलग विषय है, वो तो सरकार देना ही नहीं चाहती। इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी जब महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की बात आई तो उन्होंने कह दिया था कि जब सरकारी नौकरी नहीं बचेगी तो आरक्षण किस काम का। तो ये सारे ये संकेत लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग देते रहे, हम संविधान खत्म करेंगे, संविधान बदलेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, आरक्षण को समाप्त करेंगे, झूठी बातें करते रहे, झूठे दावे करते रहे, गुड गवर्नेंस के झूठे सपने दिखाते रहे। जैसे अटल जी की सरकार में इंडिया शाइनिंग की झूठी बातें हुई थी, उससे चार कदम आगे बढ़कर के मोदी सरकार में, अभी तक मोदी सरकार की बात होती थी, अब मजबूर सरकार आ गई है, अब मजबूर वाले फैसले होंगे, एनडीए सरकार के फैसले होंगे, अभी तो मोदी सरकार चल रही थी, रात में 8 बजे आते थे, ताराशाही करते थे और अपना फैसला सुना देते थे, ना भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को फैसला पता होता था, ना भारतीय जनता पार्टी के घटक दल एनडीए के किसी को फैसला पता था। हमारा गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है वो साथ में चलने का गठबंधन है, आज देखिए परिणाम आए, हमने गठबंधन की बैठक करी, उसके बाद फैसला लिया कि हम किसी तरीके सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं, कोई जोड़ तोड़ का काम नहीं करेंगे, हर चीज स्पष्ट थी। लेकिन वही एनडीए गठबंधन की क्या स्थिति थी, जब एनडीए गठबंधन की बात आई तो ओपी राजभर जी को नहीं बुलाया गया जो सपा के अध्यक्ष थे, निषाद समाज की पार्टी संजय निषाद जी को नहीं बुलाया गया, तमाम इनके घटक दल ऐसे थे जो एनडीए की बैठकों में लगातार चुनाव से पहले जाते रहे, लेकिन जब चुनाव के बाद बैठक की गई तो उन सबको दरकिनार कर दिया गया। उसी तरीके से जब सरकार बनाने का फैसला लिया गया
पुरानी संसद भवन में मीटिंग रखी गई तो उन सबको मंच पर स्थान देने में भी भेदभाव किया गया। जयंत चौधरी जी को हमने सामने देखा, दो तीन सीटों के पीछे साथ में बैठा लिया उच्च निष्ठ। ओपी राजभर जी को हमने सबसे आखिरी पंक्ति में देखा, निषाद साहब देखने को नहीं मिल रहे थे। और फूल के बुकों का किस्सा तो आपको सब दिख ही रहा है लगातार, किस तरीके से वो गोल गोल घूम रहे थे, वही दो बुके वही दो फूल के गुच्छे लगातार घूम रहे थे। तो ये जनता देख रही है सारी चीजें। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अग्निवीर योजना का विरोध किया था कि देश की रक्षा भी संविधान नियुक्ति पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये कच्ची नौकरी देने का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उत्तर प्रदेश की पुलिस को लगातार चेताते रहे कि आने वाले समय में ये आपको भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले आएंगे, कच्ची नौकरी पे ले आएंगे। और देखिए कल ही एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो पुलिस को भी कच्ची नौकरी पे लाने वाले हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लाएंगे, संविधान नियुक्ति पे लाएंगे। पक्की नौकरी ये केवल अपनी स्वयं की चाहती है, सत्ताधर में बैठे रहे 40 साल तक बैठे रहे, लेकिन जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो केवल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहे, संविधान नियुक्ति पे रहे, सीमित समय के लिए रहे, कच्ची नौकरी के साथ। चलिए प्रशांत जी, भाई सुना आपने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को, आपकी प्रतिक्रिया ले लें, फिर विनय जी के पास चलेंगे। मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग किसको कितने बुके मिले और बुकों की संख्या कितनी थी ये गिन रहे थे। और इस डिबेट में इतने गंभीर डिबेट नहीं, हम नहीं गिन रहे थे, मीडिया दिखा रहा है। बुकों की संख्या, बुके की गिनती की संख्या, गिनती और संख्या बता रहे, मतलब हद है। इनको ये बताना चाहिए कि जब अभी जब सरकार बनी नहीं है इनकी, समाजवादी पार्टी की कोई आसपास कुछ ज्यादा पता नहीं उत्तर प्रदेश में, लोकसभा चुनाव में इनकी सीटें संख्या ज्यादा आई है। देवरिया में मुस्लिम भीड़ ने अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी, दलितों के घरों में घुसे और दलित महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की है। आपको इतिहास समाजवादी पार्टी का मैं याद दिला दूं कि जब जब भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, दलितों पर गांव गांव में हमले बढ़े हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा समाजवादी बुलेटिन से पढ़ के आए क्या? एनसीआरबी का आंकड़ा पढ़ लीजिए राठौर साहब, बता दीजिए वो समाजवादी बुलेटिन पढ़ी है, सबसे ज्यादा दलित पे नंबर वन है उत्तर प्रदेश, पढ़ लीजिए। मैं दावा करता हूँ, आप गूगल सर्च कर लीजिए, सबसे ज्यादा महिलाओं पे अत्याचार, सबसे ज्यादा दलितों पे अत्याचार, एनसीआरबी हम बनाते हैं क्या? अरे आप चलिए डेटा दीजिए ना, कहाँ डेटा है आपका? सर्च कर लीजिए, पढ़े लिखे तो लगते हैं, केवल लेंस ही लगा के आए, इतना भी नहीं ज्ञान आपको? एनसीआरबी हमारे पॉकेट में नहीं रखा है, हमें देने की जरूरत नहीं, हर जगह है, सर्च कर लीजिए। और मैं बोल रहा हूँ फिर से कि उत्तर प्रदेश नंबर वन है दलितों पे अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार, तो समाजवादी दोषी कैसे हो गई भाई मेरे? अगर ये तरीका ठीक नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ बोलिए बोलिए प्रशांत। अभी 8 जून को समाजवादी पार्टी के एक विधानसभा कार्यकर्ता ने, उपाध्यक्ष है, जो वार्ड का उपाध्यक्ष है, उसने वो चैन स्नेचिंग में पकड़ा गया, पुलिस ने एनकाउंटर किया तो पैर पे गोली लगी तो पता चला। अरे ईश्वरों की दलाली करने वाले आप एक स्नेचिंग है, तुम राष्ट्र बेच रहे हैं, गाय मांस बीफ के एक्सपोर्टर से चंदा लेने वाले, गाय अयोध्या की जन्मभूमि, अयोध्या की पवित्र जमीन बेच देने वाले आप, शराब की तस्करी करने वाले आप, सर्टिफिकेट समाजवादी समाज, एक एक करके ऐसे नहीं। हाँ प्रशांत जी बोलिए। हाँ देखिए मुद्दा तो सही बता रहा हूँ मिस्टर, ठीक है एक एक प्रकाश जी, पहले प्रशांत जी को बोलने दीजिए, फिर आप लोगों के पास चले आएंगे। हाँ प्रशांत जी बोलिए। नेशनल राजन जी, आपके दर्शकों का मूल भान सब है, ये सत्ता में रहते हुए इन्होंने क्या किया वो बताएं। पहले प्रशांत जी को सुन लीजिए, फिर आपके पास चले आएंगे, एक एक करके बोलेंगे तो बात सब की जाएगी। चारा खा के इनके गठबंधन के नेता जमानत से बाहर घूम रहे हैं, ये ज्ञान हमको दे रहे हैं? दिल्ली में 1100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला करके इनके नेता जेल में है, ये ज्ञान हमको दे रहे हैं? भाई सवाल तो बनता है जयप्रकाश जी, लूट के शहंशाह सरकार का कुछ पता है इनके 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 प्रधानमंत्री के? अरे व्यापम के सरगना आपके अभी नीट का सरगना हो गया, कह रहे हैं घोटाला ही नहीं हुआ, सब टापर एक ही सेंटर पा गए। आप बताइए ना, क्या आपके तीन तीन गठबंधन के प्रमुख नेता जमानत पे बाहर है कि नहीं है, बताइए आप? अरे आपके तो सर्वोच्च नेता तड़ी पा रहे हैं, और आप तो चंदाई किससे लिए थे? आप तो मैं बता रहा हूँ, अयोध्या का जख्म भी भरा नहीं है, अयोध्या का जख्म भरा नहीं, जमीन बेच दिया अयोध्या की पवित्र जगह,
किसने बेचा था, लप्पा जी किसने बेचा था? अयोध्या विकास प्राधिकरण की लिस्ट पढ़ लीजिए, पढ़ना होता है तो। लप्पा जी, अरे लप्पा जी नहीं है, सुनो भाई प्रशांत सिंह, पढ़े लिखे आदमी हो कि नहीं यार? आराम से आराम से, बाकी वादी हो के नहीं, अपना तर्क रखिए, वो नए उम्र के लड़के, अपना अपना तर्क रखिए। सुन लो सुन लो सुन लो, अयोध्या विकास प्राधिकरण समाज, अरे भाई तुम सुनते ही नहीं हो यार, अयोध्या विकास प्राधिकरण की लिस्ट पढ़ लो, 2 करोड़ की जगह 18 करोड़ में बेचे थे आप। और सुन लीजिए, भारत में आबकारी से, सुन लीजिए, भारत में आपने बेचा, हमने बेचा, कौन तीन लोग नाम था बेचा? किसका अयोध्या जमीन किसने बेची, किसने बेची अयोध्या? अरे ऐसे कौन से प्रवक्ता है, चलिए मालूम ही नहीं किसने बेच दी, पाकिस्तान ने बेच दिया अयोध्या विकास। ठीक है, जयप्रकाश जी उनको भेज दीजिएगा, 2 करोड़ की जगह 18 करोड़ में बेचे आप, सबसे बड़ा घोटाला आपने किया। चलिए सुन लीजिए, 42 आप जो है आबकारी, आप सबसे बड़े तस्कर स्टेट बन चुके हैं, आपको मालूम नहीं है? ये बताइए कि आपके नेता, तीन तीन नेता, अरे नेता की बात करने आए हो, अभी तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हो। अच्छा ठीक है, ठीक है, अब वो आरोप प्रत्यारोप का अभी दौर का समय नहीं है। ठीक है विनय जी, ये सब चलिए चलिए हम अपने मुद्दे पर लौटेंगे। वो आपका, ठीक है ठीक है, मंगल सूत्र, चलिए ये आरोप प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप से बढ़िया है कि हम लोग चर्चा में कुछ गंभीर मुद्दों पर चर्चा कर ले। विनय जी भाई, एक आंकड़ा हमारे पास है, ध्यान से सुन लीजिएगा, सारे सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के लिए है ये आंकड़ा, ध्यान से सुन लीजिएगा। देश में 84 सुरक्षित लोकसभा सीटें हैं जहां पर दलितों की भारी तादाद है और जाहिर तौर पर वहां पर SC ST से ही उम्मीदवार होते हैं। एक आंकड़ा 2014 में BJP के पास 40 सीटें थी, 84 में से 2019 में ये बढ़कर के 46 हुई और 2024 में ये 30 सीटों पर सिमट गए। यानी अगर 2019 और 2024 की तुलना कर ली जाए तो लगभग 16 सीटों का नुकसान हुआ है। कांग्रेस की बात करेंगे, 2017 में ये 7 सीटें जीते थे सुरक्षित में से, 2019 में 6 और 2024 में इसमें जस्ट 2.5 गुना का इजाफा हुआ है, यानी 20 सीटें जीतने में कामयाब हो गए। भाई चिंतन तो दोनों तरफ करना है, प्रशांत जी के लिए भी संभवतः लगता है कि एक बड़ी चुनौती है दलित वोट बैंक को वापस लाने की, और कांग्रेस के लिए तो राह आसान हो रहा है क्योंकि इनका ये सब कहा जाता है कि पारंपरिक वोट बैंक था। विनय जी आपका विश्लेषण चाहेंगे। संजय जी, अभी हम लोग आधे घंटे से चर्चा में हैं और शायद आप एक ही मुद्दा देख रहे हैं, जो चुनाव अब किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा, लेकिन चर्चा केवल जातीय समीकरण और सामाजिक समीकरण और गठबंधन, इन्हीं सब चीज़ों पे अभी चर्चा चल रही है, जबकि हम लोग चर्चा इसी चीज़ पे कर रहे थे कि लोकसभा में अगर ऐसा कुछ रिजल्ट आया है तो विधानसभा चुनाव में आगे आगे क्या, कैसे क्या रणनीतियाँ रहेंगी और उस पर क्या असर पड़ेगा। तो इससे एक चीज़ तो स्पष्ट हो रही है कि जो अगला चुनाव होगा वो केवल और केवल जातीय समीकरण पे, और खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में तो जातीय समीकरण पे ही चुनाव लड़े जाते हैं। यहाँ पे विकास और लॉ एंड ऑर्डर ये मुद्दे रहते हैं, लेकिन प्रमुखता से हावी यहाँ पे जातीय समीकरण ही रहता है जी। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर लोकसभा के रिजल्ट को ही विधानसभा के रिजल्ट में पूरा कन्वर्ट कर दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली में शायद भाजपा की सरकार विधानसभा में बननी जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दिल्ली एक ऐसा एग्जाम्पल है आपके पास कि वहाँ पे पिछले 3 इलेक्शन से, 2014 में, 2019 में और 2024 में, इन 3 इलेक्शन में 7 के 7 सीटें भाजपा जीतती है और 2 इलेक्शन वहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं जहाँ पे फुल मेजॉरिटी अरविंद केजरीवाल को मिलता है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब सिंपल सा ये यही है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को आपस में कंपाइल नहीं किया जा सकता है, दोनों के मुद्दे अलग होते हैं और दोनों का जो है लड़ने का जो तरीका है और गठबंधन है वो सब अलग अलग होती हैं। हाँ, फर्क तो पड़ता ही है, नो डाउट, विपक्ष की सीटें ज़्यादा निकली हैं, उनको एक एज होगा, उनके पास कॉन्फिडेंस होगा, और सत्ता पक्ष की सीटें लोकसभा में कम आई हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो पहले था वो इस समय नहीं होगा। हाँ, लेकिन अब कुछ कमियां हैं, हो सकता है कि वो उन पे उन कमियों को दूर करें, और वहीं विपक्ष में अगर सीटें ज़्यादा आई हैं लोकसभा के लिए तो उनके सामने चुनौतियां भी हैं। विनय जी, अलग अलग डिबेट में हम लोगों ने अलग अलग मुद्दों पर चर्चा भी कर लिया है, लगभग लगभग OBC से लेकर के तमाम चीज़ों पर, लेकिन दलित वोट को लेकर के चूँकि पूरा देश विश्लेषण कर रहा है,
माया फैक्टर कितना कारगर हुआ, क्योंकि मैं देख रहा था कि करीब 16 सीटों पर तो इंडिया गठबंधन को मायावती डेंट लगाई है और करीब एक दर्जन लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर एनडीए को इसका नुकसान हुआ है। ये नुकसान मैं इसलिए कह रहा हूं विनय जी कि जो वहां पर वोटों का जो अंतर रहा है उससे कहीं ज़्यादा मायावती की पार्टी को मिला है। निश्चित तौर पे देखिए 2019 में बसपा का जो वोट परसेंट था वो 19% था जी। हालांकि सपा और बसपा का उस समय गठबंधन था तो उस समय उसको 19% मिला था और इस चुनाव में उसका 10% वोट बैंक खिसका है और वो 9% के आसपास ही आके सिमट गई जी, है। जी। वो 10% जो वोट था बसपा का वो इंडिया गठबंधन के तरफ उसका मेजर पार्ट गया है और उसी के वजह से यहाँ पे जो है सीटों में इतना जो है डिफरेंस देखने को मिला है जी। अब हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बसपा का जो वोटर था उसको कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के तरफ कुछ ज़्यादा सहूलियत नज़र आई और उसकी तरफ हो गया, लेकिन ये वोट बैंक इंडिया के पास रहेगा 2027 में, इस चीज़ को अभी आकलन करना जो है बेमानी है। आप सारी पार्टियां अपने हिसाब से नई समीकरण बनाएंगे, नए गठबंधन बनाएंगे, नए तरीके से अपनी रणनीति बनाएंगे और उसका एक एग्जाम्पल आपको जो है शपथ ग्रहण में दिखाई पड़ा कि 47 जो है ओबीसी और SC ST जो है सदस्य जो है वो मंत्रिमंडल का पार्ट है, यानी कि 60% मोदी कैबिनेट का 60% ओबीसी और SC ST प्रतिनिधित्व कर रहा है। शायद वो कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं उस पर जो है, अब आगे उसका क्या लाभ एनडीए को मिलता है ये तो भविष्य ही बताएगा। जयप्रकाश जी, मैं सुन रहा था प्रमोद तिवारी जी का बयान है जो आपके सांसद हैं, वो कह रहे थे कि अगर मायावती हमारे साथ होती तो शायद ये तस्वीर बदल जाती और 80 की 80 सीटें हम जीत लेते और अभी भी हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ आएं। तो ये आमंत्रण निमंत्रण 2027 की तैयारी अभी से क्या? देखिए वो कोई स्वाभाविक बात है कि बहन जी जिसका दावा करती है कि वो दलित चेतना की संवाहक है तो स्वाभाविक बात है कि अगर वो रियल में पेरियार का बाबा साहब की विरासत की बात करती है तो वो कांग्रेस के बस का ही है, क्योंकि जब भी आधी आबादी को या दलितों को कुछ सशक्तिकरण की बात होगी तो ये जब इनका जन्म था जनसंघ का भी, बाबा साहब रिजाइन क्यों दे दिए हिंदू कोड बिल का, चंद मुट्ठी भर सांसद थे जनसंघ के, संसद के भीतर करपात्री बाहर गाय लेके प्रदर्शन कर रहे थे और मंडल आयोग तक देख लीजिए। जब भी किसी हाशिए के समाज को एम्पावर किया जाएगा तो इनका जो मनुवादी चरित्र होता है वो सामने आ जाता है भाजपा का। तो स्वाभाविक बात है कि अगर बहन जी, क्या हर दलित को मालूम है कि अगर वो विरासत बाबा साहब की बचनी है तो उसे कांग्रेस के सदारत में ही होगा, जो सेकुलर प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं, जो सामाजिक न्याय की विरासत वाले भी लोग हैं, लोहिया की विरासत वाले, चाहे लालू जी का या मुलायम सिंह, तो वही लोग कर सकते। एक चीज मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा था विनय जी का और प्रशांत जी का कि ये लोग लोकसभा अलग होगा विधानसभा अलग होगा, अरे भाई वो ठीक है लेकिन आपका तो एक दलीय नेतृत्व है, आप कहना क्या चाहते हैं कि मतलब लोकसभा में हम हार गए, मतलब योगी जी आपके पास मोदी जी से ज्यादा लोकप्रिय व्यक्ति हैं। वास्तविकता यह है कि आपके पक्ष की बात मैं कर रहा हूं, अगर आप मध्य प्रदेश उड़ीसा तमाम जगहों का नाम गिना रहे तो वहां जीते हैं, तो स्वाभाविक है कि मोदी फेलियर नहीं है। आप अगर यहां मतलब इतना बड़ा डेंट लगा है तो योगी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो उसका रिएक्शन ज्यादा है और ये मोदी जी भी नहीं बचा पाए, जो बचा है वो मोदी जी के कारण बचा है 2027 में आप देख लीजिएगा। क्योंकि योगी जी सिर्फ ये स्वाभाविक सी बात है कि उनको अवसर मिला था कि वो निश्चित रूप से विराट हिंदू समुदाय के नेता हो जाते, लेकिन वो अपने निर्लज्ज जातिवाद से ही ऊपर नहीं उठ पाए, केवल पिछड़े दलितों को टारगेट कर देना। आप ये भाई साहब कह रहे थे कि यहां लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं होती, लॉ एंड ऑर्डर की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप संगठित अपराध का मतलब क्या है? ठीक है कि विजय मिश्रा चले गए, भदोही के चले गए, तो विनीत सिंह का कारवां तो चल ही रहा है। आप अगर कहिए मुख्तार अंसारी चले गए, ठीक है, आप देख लीजिए बृजेश सिंह का पूरा परिवार सदन में, पूरा सिक्योरिटी लेके चल रहे, बाकी अपराधी दूसरे दल के भी आप आ गए। तो जनता को मूर्ख समझते हैं क्या? पूरे संगठित अपराध होने के लिए जरूरी है कि बाबा का सजाती हो, भाजपा के संरक्षण में हो, तो वो क्या मतलब सरोदयी हो गए, वो लोग सत्याग्रही हो गए।
तो ये जान लीजिए कि बाबा का जो निर्लज जातिवाद है और जो उनकी मतलब विकास विरोधी रवैया है और जिस तरह की बातें उनकी दलितों पिछड़ों आदि आबादी उनके मंत्रियों के जो उनके सामाजिक न्याय के तमाम मंत्री हैं, दलित भाई पिछड़े भाई प्रोटोकॉल लेके घूम रहे, विधायक सांसद रो रहे हैं, तो हमें तो लग रहा है ये भ्रम मत फैलाइए, मोदी जी ने आपकी उतनी रक्षा कर ली है, लेकिन हम तो मना रहे हैं कि आप योगी जी को आगे बढ़ाइए। योगी जी रहे तो जवाब दे दीजिए जयप्रकाश जी के, साफ जा रहे हैं आप, या तो आप तय करिए कि नहीं आगे योगी जी बढ़े। ठीक है, ठीक है, प्रशांत से जवाब ले लेते हैं। प्रशांत जवाब दे दीजिए। ये मान्यवर जो अभी मुख्यमंत्री पर जातिवाद का आरोप लगा रहे थे, मैं इनको 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 चेहरा दिखाना चाहूंगा, आईडा दिखाना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी की सरकार में 1526 थानों में से 600 थानेदार या एक जाति के थे, यादव समाज के। सुनिए, जयप्रकाश जी उनकी बात सुनिए। हाँ ठीक है, मत बोलिए, कोई प्रमाणिक आंकड़ा बताइए। एक करके यस जी आपके पास भी चले आएंगे, पहले प्रशांत जी को बोलने दीजिए। लखनऊ में 43 थानों में 20 यादव, राजस्थान झूठ मत, कानपुर में 44 में 17, बदायूं में 22 में 11 थानेदार यादव, मथुरा में 21 में 10 यादव, इटावा में 21 में 10 यादव, संभल में 11 में 7 यादव, गाजियाबाद में 17 में 19 यादव, मतलब 50% से थानेदार केवल यादव समाज के थे और आप हमको जातिवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये बताइए कि आप हिंदू स्मिता का और हिंदू बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। प्रशांत की बात सुन लीजिए, आपने हिंदुओं को विघटित करने का प्रयास किया है। एक मिनट सुनिए, बीच में क्रॉस क्वेश्चन है, बीच में क्रॉस क्वेश्चन है, बोल ले। सुनिए सुनिए, आप बात सुन लीजिए, जो वोट जिहाद का आपने नारा दिया, जो आपने झूठा नैरेटिव चलाया संविधान बदलने का, आरक्षण खत्म करने का, उसमें आपके बहकावे में जनता आई है। अरे और जो आप सुनिए, अरे सुनिए, ऑर्गेनाइजर का लेख मत पढ़िए जयप्रकाश जी, इसके बाद बोलिएगा। आप ही लोगों के षड्यंत्र के कारण देश आज तक जो है वो बटा हुआ है, खंडित रहा है, 1000 साल तक गुलाम रहा है, क्योंकि हिंदू समाज को इसी तरीके से आप लोगों ने बांटने का प्रयास किया है। 18% एक राजन साहब क्या क्या सुनवाएंगे, और सुनिए, सुपारी लेके आए। ठीक है, एक जो जो वोट जिहाद का, वोट जिहाद का कैंपेन आपने चलाया, उस पर शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है, यस जी सुन लो, यस जी का जवाब ले लीजिए पहले। यस जी पहले भाई इनका जवाब दे दीजिए, जातवाद को लेकर के जो आपके सहयोगी जयप्रकाश जी ने सवाल उठाया उस पर प्रशांत जी का कुछ आरोप था समाजवादी सरकार को लेकर के। राजन जी लगातार इनसे सवाल पूछ रहे हो और आप इनके पास जब जाते हैं तो यही कहते हैं कि जवाब ले। जवाब क्या होता है, समाजवादी सरकार में क्या होता था, कांग्रेस के सरकार में क्या होता था, कांग्रेसियों ने क्या किया, समाजवादियों ने क्या किया, लेकिन इनकी सरकार क्या कह रही है उस पर जवाब नहीं। एनसीआरबी के आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो ये जवाब नहीं दे पा रहे कि जो अपराध घटित हो रहे हैं और अपराधों में जो चीजें घटित हो रही हैं कि पुलिस अब अपराध करने पे कायम है। मुख्यमंत्री का गृह जिला गोरखपुर, वहां होटल के अंदर पुलिस घुसती है, व्यापारी से पैसा लूटती है और गोली मार देती है। चुनाव आचार संहिता में एक व्यापारी पैसा लेकर के जा रहा होता है, उससे पैसा लूट लेती है पुलिस, और जब वो पैसा वापस मांगता है तो ये धमकी देती है तेरा एनकाउंटर कर देंगे। तो अब जो गुंडागर्दी चल रही है, जो अपराध चल रहे हैं, वो प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से चल रहे हैं, और उसके मुखिया कौन है, योगी आदित्यनाथ जी। कौन योगी आदित्यनाथ जी, जिनके ऊपर खुद के ऊपर तमाम मुकदमे लगे हुए थे, हत्या, हत्या की कोशिश, धार्मिक स्थलों का नुकसान पहुंचाना, धार्मिक भावनाओं को हाथ पहुंचाना, इनके उप मुख्यमंत्री जिन पर शराब तस्करी तक के आरोप थे, चंदा चोरी के आरोप थे, वो सब इन्होंने सत्ता में आते ही खुद ही अपने मुकदमे वापस ले लिए, और अब अपने आप को बड़ा स्वच्छ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनसे बड़ा साधु कोई नहीं है, इनसे बड़ा स्वच्छ कोई नहीं है जो अपराध मुक्त प्रदेश बनाने की कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा देख लीजिए, चाहे देश की लोकसभा देख लीजिए, सबसे ज्यादा अपराधी प्रवृत्ति के कोई लोग बैठे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे। प्रज्ञा ठाकुर कौन थी, जो आतंकवादी आरोपी थी, जिसपे बम ब्लास्ट के आरोप थे, आरएसएस के स्वयं सेवकों की हत्या के आरोप थे, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने गिरफ्तार किया था। तो आप खुद एक तरफ गिरफ्तार कर रहे हैं और देश की जब रक्षा सौदे की समिति बनाते हैं आप सदन के अंदर, तो उसमें प्रज्ञा ठाकुर को रखते हैं आप, तो ये अपराध मुक्त समाज बनाना चाहते हैं। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यालय में रक्षा सौदे में दलाली करता है, सुप्रीम कोर्ट से सजा पाता है। आपका जिसको आप गृहमंत्री बनाते हैं वो तड़ीपार रहा होता है, उसको आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं। तमाम अपराधों की बड़ी लंबी चौड़ी श्रृंखला है, और अभी ये जो थानों के आंकड़े बता रहे थे, एसडीएम के आंकड़े इनके मुख्यमंत्री बताते हैं, इनके बड़े नेता मोदी जी बताते हैं, जो तमाम आंकड़े जातियों को लेकर के, वो सब झूठे साबित हो चुके हैं, कहीं कोई प्रमाणिक आंकड़ा नहीं है।
इनका मन करता तो ये कहते 70 में से 80 एसडीएम हो गए, मतलब संख्या ही नहीं जानते। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में जाते हैं, कहते 80 पार करने जा रहे हैं हम, बिहार में हम 40 पार कर देंगे। तो भैया ये गणित तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही चलता होगा कि जो सीमित संख्या से भी पार हो जाता है जी। तो ये सब चीजें झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना, ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा संभव है, चेहरे पे चेहरा लगा के संभव है। ये अपने पितृपुरुष की भी बात नहीं मानते, जो पितृपुरुष ये कहते थे कि हम चिमटे से भी ऐसी सरकार को नहीं छुएंगे। ठीक है प्रशांत जी, भाई भ्रम व अफवाह ना फैलाइए, हकीकत पर यकीन कीजिए। नहीं, कौन सा भ्रम फैला रहे हम? बाराबंकी में महिला को जलाकर मार दिया गया, एक थानेदार राय साहब यादव ने मार दिया इनके सरकार में, और उसके बाद उसको हटाया गया बड़े विरोध के बाद, तो वहां भगवती प्रसाद यादव को पोस्ट कर दिया गया, वहां पर इनका यादववाद नहीं खुल के सामने आया। हर साल प्रत्येक साल सरकार की कोई सुनिए, 200 से अधिक दंगे प्रत्येक वर्ष 2012 से 17 तक हो रहे थे। ये एनसीआरबी का डेटा इनको नहीं याद है? मथुरा में रामवृक्ष कांड नहीं याद है? 280 एकड़ पे कब्जा कर रखा था और 24 लोगों की मौत हुई थी। बदायूं का रेप कांड इनको याद नहीं है? बुलंदशहर रेप कांड याद है नहीं है इनको? 12 लोगों ने क्या निकला बताइए, किसका गैंग रेप किया था? शाहजहां निकला बताइए, गजेंद्र सिंह को जो हत्या की गई, कुलदीप सेंगर हरियाणा से लेकर सब आपको समझ आनंद से लेके रेसलर अभी आ जाएगा। सुनिए आपने टर्म में यहां तो आपके मालवी भी आ गए रंग में, पूरी पार्टी में ही भांग पड़ी है कुएं। भ्रष्टाचार भाजपा वाले भला चरित्र, भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति अनिल यादव इनको याद नहीं है? यादव सिंह इनको याद नहीं है? शर्मानी चाहिए आपको इस तरह की बात करते हुए? चाहिए भाई, चिन्मयानंद हमारे, हमें शर्मिंदा होनी चाहिए। अरे बहुत शर्म आनी चाहिए, सेंगर हमारा है, शर्मिंदा होनी चाहिए। आप बता रहे हैं कि ब्रजभूषण हमारा है, शर्मिंदा होनी चाहिए। एक मिनट, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता या आपकी टीवी पे झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जो नेता बोल रहे हैं कि हमारा नेता तड़ी पा रहे, बताए कौन सा नेता तड़ी पा रहे? नहीं, वो न्यायालय ने नहीं तड़ी पार किया था, उसको लिखा गया था कि अमित शाह जघन्य श्रेणी का अपराधी, इसे जिला में रहने का ही स्थान है, उसे बाहर कर दिया गया था। पढ़ लीजिए, जिला बदर तो जिले से होता है, जिला बदर किए गए थे अमित शाह, इतना जिला बदर, जिला बदर 14 साल। सुनिए, 2004 से लेकर 2014 नहीं है, ये विषयांतर करेंगे इनको, ये इनको कुछ आ गया है, एक एक करके कर, यहां सुन लीजिए। 2004 से लेकर 2014 तक ये अज्ञानी व्यक्ति हैं, इनको खुद कोई ज्ञान नहीं है, ये ना सरकार के कोई आंकड़े प्रस्तुत कर सकते हैं, ना सरकार के क्या भाषण देगा यार, जितने बलात्कारी व्यभिचारी सबको संरक्षण देने वाले आप कह रहे हैं, जितने बलात्कारी व्यभिचारी सबको संरक्षण दिया गया, एक एक करके जयप्रकाश जी, जो भारत का गौरव थी, जयप्रकाश जी एक एक करके बात कीजिए। के खिलाफ आप लोगों ने काम किया, कभी कभी हमारे नेता ने कभी ये शिकायत नहीं की कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, आज इनके खिलाफ भ्रष्टाचार की कार्रवाई होती है तो तुरंत ऐसी भ्रष्टाचार के हाथ हाथ फैला के आ जाओ हमारे भीतर अजीत पवार। अच्छा एक आ जाओ जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी एक सवाल, भ्रष्टाचार पहले कहा जाएगा कि आप प्रशांत प्रशांत एक सवाल जयप्रकाश जी से मुझको ले लेने दो भाई। हेमंत सोरेन ये प्रूफ हो गया है कि जमीन घोटाले में वो दोषी हैं, ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दिया है। नहीं, इंडिया गठबंधन की बात कर लें थोड़ा सा ना, अरविंद केजरीवाल स्वतः फिर जाकर के आत्मसमर्पण कर दिए, जेल में हैं, वो भी मामला पेंडिंग चल रहा है, उसमें अभी जांच होनी है, हालांकि क्या कुछ होता है देखने वाली बात है। तो प्रशांत जी भाई सवाल तो खड़े करेंगे ना कि इंडिया गठबंधन में अगर इस तरह के लोग हैं और आप उनको चाल चरित्र का सबक देंगे तो ये कहां तक? लालू जी और राहुल गांधी भी जमानत के बाहर है, लालू यादव अजीत पवार की तरह, सुनिए ठीक है प्रशांत, जरा जवाब ले लीजिए। हाँ 70,000 मतलब वो आप प्रधानमंत्री घोषणा करेंगे ये सबसे बड़ा भ्रष्ट, अगले पल आ जाओ पधारो महारो पार्टी गले लगा लो, तो उससे शुद्धिकरण हो जाता है। क्यों अजीत पवार का आरोप कहां चला गया? कोई कहां चला गया अजीत पवार का आरोप? तो फिर आप अपने पार्टी में किस लिए ले लेते हैं? आप कह रहे थे बलात्कार हो गया, चिन्मयानंद पे कौन आरोप था? सुन लीजिए काम आएगा, चिन्मयानंद को कौन सा आरोप था? सरकार लड़ रही थी उनका मुकदमा, और पीड़ित बेचारी जो शोषित लड़की लड़के थे उनको जेल में डाल दिया गया था, चिन्मयानंद का आरोप। हमारी रेसलर बहने जो भारत का गौरव थी, ब्रजभूषण को कौन सी सजा दे दिए भाई? और सुनो, तुम कह रहे थे कि एक दो उदाहरण गिना रहे थे, यही उन्नाव में जब रेड कारपेट बिछा रहे थे कारपोरेटिव के लिए, तो नेहा दीक्षित परमिला दीक्षित को कोई अपराधी नहीं, पूरा लश्कर
पूरा प्रशासन गया था एसडीएम के सामने झोपड़ी में, वो कोई मतलब रामवृक्ष यादव थी क्या, दीक्षित थी, अब उस लिए ये था कि जिंदा जला दिया गया जिंदा, और तुम्हारे ब्रजेश पाठक की औकात नहीं थी कि वो आदमी ट्वीट कर दे चला जाए घर। तो इसलिए ये बड़ी बड़ी बात मत करो। वहां महोबा में क्रेशर व्यापारी था, सुन लो महोबा में क्रेशर व्यापारी था, आईपीएस ने गोली मार दी, सुनिए क्या कर लिए, ठीक और सुन लो इधर बात करें, अपराध पे चर्चा करेंगे, सुनिए अपराध, सुनो तो उसमें कार्रवाई भी होती, क्या कार्रवाई कर पाए भाई, अपराध अपराध पे आज चर्चा नहीं है, किसी दिन पुलिस ने हत्या करी, पुलिस को आप गुंडा स्टेट बना दिए, मतलब आपने पुलिस से हत्या सुलह करवा दी, तो कभी हुआ ही नहीं, कभी अखिलेश ने नहीं किया, आप जातिवाद का थाना अध्यक्षों का नाम ले रहे थे ना, थाना अध्यक्षों का नाम ले रहे थे। एक उदाहरण मैं दे दूं, गोंड आप बांदा कृषि विश्वविद्यालय में 15 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती हुई थी, 11 आपके सजाती थे, राठौर ठाकुर थे। सुनिए मैं आपको उदाहरण दिए दे रहा हूं, ठीक है सुनिए, आप तो अखिलेश का उदाहरण दे रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए, जयप्रकाश जी उनकी बात सुन लीजिए। अभी मैं आपको बेनकाब कर रहा हूँ, फरवरी 2017 में 40 भर्तियां हुई थी बांदा कृषि विश्वविद्यालय में, जिसकी शिकायत हुई, मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करके सारी भर्तियों को रद्द किया, अपने कब की, जरा सुन लीजिए, सुनिए 4 दिसंबर 2020 को, और रिकवरी की जितनी भी गलत तरीके से भर्तियां हुई थी, जब ये इस भर्ती का भी संज्ञान आया है, जांच के आदेश हुए, रिपोर्ट आने पर आपसे सख्त कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई में हुआ क्या भाई मेरे, होगी क्या हो गया, कार्रवाई की है, ये दिल बहलाने का ख्याल मत रखिए, सख्त कार्रवाई किसके लिए, सख्त कार्रवाई, अच्छा ठीक है, आप मान लीजिए एक निर्लज्ज जाति का आरोप हो रहा है, इन आरोप प्रत्यारोपों में अब कोई अभी वक्त 2027 बहुत है, जयप्रकाश जी रोज ये चर्चाएं करेंगे तो ये इन आरोप प्रत्यारोपों में नहीं चल रहा, इतना ही है, ठीक है, सिर्फ 9% वोट मिल गया आपको, सवाल परसेंटेज का ही नहीं, आप अपना इतिहास नहीं जानते, नए हैं, सुनिए भाई मेरे, सुनिए, जब से जनसंघ का जन्म हुआ भाजपा का, सुनिए, आप सबसे ज्यादा विपक्ष में सबसे ज्यादा जमानत जब्त भाजपा की हुई है, और नंबर 3 पे रहते, नंबर 2 पे रहते ही नहीं हो, सपा और बसपा रहती है, नंबर 3 पे रहते हो, फिर नंबर 3 पे जाओगे, कोई कैडर नहीं है आपके पास, आप अरे भाई जयप्रकाश जी हिंदू बना लेते हैं, जयप्रकाश जी आपके पास में दलित है न पिछड़ा है, जयप्रकाश जी दो बार से लगातार सरकार बन गई है, आप नंबर 3 पे रहते हैं, आप हमेशा नंबर 3 पे रहते हैं, जयप्रकाश जी मौसमी बुखार चढ़ा, दो बार से लगातार सरकार है भाई, ये कौन सा दर्द हो गया, ये ठीक है कि एक बार पुलवामा करा के आ गए, नहीं लेकिन आप मौसमी बुखार है भाजपा, ये भारत की जो ठीक है जो समरसता का समाज है, साझी विरासत साझी साधन से बना है, उसमें भाजपा की सोच ही एक मौसमी बुखार है, अच्छा, ये रह ही नहीं सकती, ठीक है, लेकिन जनता उसी मौसमी बुखार को पसंद कर रही है ना, फिर चले जाएंगे, नहीं नहीं कल्याण सिंह के बाद गए थे 15 साल, जयप्रकाश जी ये दावा अभी से नहीं हो सकता, अभी तो 5 साल तक इत्मीनान साहब संघर्ष कीजिए, भारत ठीक है, भारत विनय जी सुनिए भारत का मतलब केवल यही स्टेट, नहीं नहीं ठीक है, 18 राज्यों में पहुंच गए हैं भाई ये लोग, हल्के में न लीजिए, सुनिए ये जो बता रहे हैं कि हमारे साथ दलित नहीं है, ओबीसी नहीं है, हम मौसमी बुखार हमको बता रहे हैं, एक तो मैं इनको बता दूं कि मैं नया हूं, ठीक है आप बहुत पुराने हैं, लेकिन 28 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, तीसरा सबसे खराब भारत 28 साल का देश नहीं भाई, सुन लीजिए ना, पता नहीं तुम्हें 28 साल का देश नहीं, उनको बोल लेने दीजिए, प्रशांत जी को बोल लेने दीजिए, बकबक कर रहे हो बस, बोलिए बोलिए, 28 साल में सबसे खराब प्रदर्शन है तुम्हारा, सुनो और बता रहे ओबीसी एससी भाजपा के साथ, जनसंघ से जोड़ लो अपना, खराब शर्मिंदा हो जाओ, गोमती में आप हत्या कर लोगे जनसंघ के, नहीं नहीं ऐसे शब्दों का, और जब आपका चरम था ना मोदी का, तब भी हमारे बराबर नहीं पहुंचे हैं, 400 पार का ना सपना देख रहे थे, 400 पहुंच नहीं पाए, एक एक रिकॉर्ड जाके देख, अरे भाई ऐसे चर्चा, ये कौन सी बात है, नहीं जयप्रकाश जी 28 साल भारत नहीं है, भारत 1947 देख लीजिए, विनय जी आपकी टिप्पणी ले ले भाई, कांग्रेस को तो 10 साल में संभवतः पहली बार अब सैकड़ा के करीब पहुंचे हैं, और दावेदारी होने लगी है अगले सरकार की, बताइए भाई विनय जी, देखिए मुर्गा मंडी वालों को आप यहाँ डिबेट में बुला लेते हैं, बहुत ज्ञान है मालूम है, ठीक है 28 साल विनय जी 28 साल में सबसे घटिया प्रदर्शन, 28 साल क्या होता है यार, 1947 जब अटल जी जनसंघ, जब गोलवरकर जीते, इतिहास में मत जाइए भाई, हम मौजूदा समय इतिहास पढ़ो, अपना पढ़ो, मैं मौजूदा समय को लेकर के चर्चा करो, इतिहास में मत जाइए भाई, अपने दीनदयाल जी गोलवरकर और दत्तोपंत ठेंगड़ी को गाली मत दो, 240 से अरे सुन लो भाई,
अपने अटल जी ठीक है, दयाल जी जयप्रकाश जी मत दो। जयप्रकाश जी ये समय आपके लिए है ना, प्रशांत जी के लिए है। जवान थे जरा जयप्रकाश जी और इनकी आवाज डाउन की जाए। विनय जी क्या हुआ तुम्हारा? ठीक है ठीक है ठीक है प्रशांत, जरा विनय जी को सुन लीजिए। अरुणाचल में क्या हुआ, असम में क्या हुआ? ठीक है भाई, 18 राज्यों में पहुंच चुके हैं, इन लोगों को अभी बहुत विचार करना होगा। विनय जी आपका विश्लेषण देखिए, सिंपल सा एक बटा चार प्रकाश जी आपका समय हो गया, आपका समय हो गया। 70 साल से डेमोक्रेसी है और ज्यादातर जो है कांग्रेस का शासन रहा है, करीब 55 साल ठीक है ना, ज्यादातर जो है कांग्रेस का शासन रहा है, ये हकीकत है। हकीकत ये भी है कि जो हिंदुस्तान में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें बहुत सारी पार्टियां वो कांग्रेस से ही लीडर अलग हुए हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। अब इसको कांग्रेस को अपने आप में झांकना चाहिए, वो क्यों, हमारे ही लीडर सब टूटते टूटते जा रहे हैं, शायद समन्वय बहुत अच्छा होगा इसलिए शायद वो टूट रहे होंगे। मैं हालांकि इन सब तूतुमों में नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, ये राजनीतिक प्रवक्ता हैं तो सब कोई आधा ग्लास भरा बताएगा, कोई आधा खाली बताएगा जी। अपनी बात अपने तरीके से रखेंगे। अभी राठौर साहब बता रहे थे कि अखिलेश सरकार में जो है समाजवादी सरकार जब थी तब जो है इतने यादों की पोस्टिंग इतनी हुई, तो राठौर जी समाजवादी पार्टी ने जो है इस बार आपकी बातों को जो है ध्यान दिया है, 80 सीटों में केवल 5 यादव कैंडिडेट उतारे थे बस, वो भी एक ही परिवार और के वो थे। भी खाली अपने ही परिवार के। लेकिन ये अब उनका गोल बंद है, उन्होंने एक सामाजिक समीकरण और जातीय समीकरण बना रखा है, यादवों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि प्रतिनिधित्व एक परिवार के पास रहे या सामाजिक रहे, उससे फर्क नहीं, ये सब चीजों को नहीं। इसीलिए मैंने आपकी चर्चा शुरुआत होते समय बोला कि यूपी और बिहार आप चुनाव की जब बात करेंगे तो राजनीति के राजनीति में केवल जातिवाद का बात करें, यहाँ पे किसी और मुद्दे की प्रमुखता नहीं होती है। जो जातियां जितनी ज्यादा अच्छे तरीके से साध लेता है उसका डंका बच जाता है, और कांग्रेस 55 साल राज की है उसको श्रेय मिलना चाहिए, भाजपा ने भी अच्छा एक जनाधार लिया है, उसे किसी एक व्यक्ति के ऊपर करके कि उस व्यक्ति के वजह से हम आए हैं, ऐसा विपक्षी कहें तो ठीक है, भाजपा अगर कह रही है, अगर ये ऐसा कुछ कहते हैं तो वो चीज़ गलत है। चुनाव विधानसभा के जो चुनाव होंगे वो इन्हीं जातिवाद के ऊपर होंगे। मुझे अब इन लोगों के बारे में क्या, मैं तो तुम्हें बोलो कि अभी तक केवल जातिवाद को लेकर और कोई दूसरी चर्चा हुई नहीं। विनय जी एक चीज है जो मेरा भी आकलन है, क्योंकि हम लोगों का भी 20-22 साल से ऊपर हो गया पत्रकारिता का जीवन, और हर एक सरकार में हम लोगों ने आपराधिक वारदात एक से बढ़ के एक देखे हैं, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि जब शीशे का मकान हो तो उस पर पत्थर फेंकिए, ये ठीक नहीं होता है मेरे ख्याल से। और हमें लगता है कि निश्चित तौर पर यह मंथन का समय है जब सारे सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल दोनों ये देखें जीत के बाद उस जीत को कैसे आगे कायम रखना है, जो हार हुई है वो जीत में उसको कैसे तब्दील करें, इस पर विचार करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आरोप प्रत्यारोप तो हर दिन होता ही रहा है और हर दिन होता ही रहेगा, लेकिन मंथन का ये वक्त है। फिलहाल समय यहीं तक हमें इजाज़त दे रहा है। सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर गर्मा गर्म बहस हो गई, चूँकि आरोप प्रत्यारोप निश्चित तौर पर सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच एक नियति बन गई है, लेकिन ये तो देखना ही पड़ेगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो परिणाम सामने आए हैं कि बीजेपी 177 विधानसभा सीटों पर आगे रही, जबकि 80 में से 9 लोकसभा सीटों पर ही बीजेपी सारी विधानसभा जीत पाई, समाजवादी पार्टी और प्लस यानी इंडिया गठबंधन 221 विधानसभा सीटों पर आगे रही और 80 में से सिर्फ 14 लोकसभा सीटों के सारे विधानसभा समाजवादी पार्टी जीती, यानी पलड़ा कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का भारी है। और इन सबके बीच जो मायावती का वोट बैंक है वो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की ओर आया, और ना जाहिर सी बात है जिस तरह से चुनाव में दलित आरक्षण समाप्त करने का मुद्दा उठाया गया तो ये वोट बैंक सीधा सीधा इंडिया गठबंधन को ट्रांसफ़र हुआ और परिणाम में वो साफ तौर पर असर देखने को मिला। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी लोकसभा चुनाव बेशक समाप्त हो गए हैं लेकिन आने वाले दिनों में सियासी बयानबाजी का दौर और जो सियासी समीकरण बैठाने की बैठ हो वह अक्सर देखने को मिलती रहेगी, क्योंकि कांग्रेस ने तो न्योता दिया है मायावती को कि वो भी साथ आ जाएं तो शायद इंडिया गठबंधन और मजबूत हो जाए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप
देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड चिन्हट लखनऊ। डाउनलोड करें भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियों के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल वृंदावन टावर ऑपोजिट होटल जेके पैलेस सिविल लाइंस प्रयागराज उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति, बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए प्रदूषण को, कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी कमला नगर आगरा। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड उमरपुर लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहाँ होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी उत्तर प्रदेश। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा दाने बाबा रोड शताब्दीपुरम ग्वालियर। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात, सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता डोंगरपुर नहर एमएस रोड कैलारस मुरैना मध्य प्रदेश। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव कंसल्टेंट फिजिशियन जिला चिकित्सालय के सामने रोशन कुटीर मुरैना। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य, शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड देवरी जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग सिविल लाइंस प्रयागराज। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार देवरी जिला रायसेन। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव, केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड निकट पार्वती हॉस्पिटल प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल दरभंगा कॉलोनी लाउदर रोड प्रयागराज। बाबा साहेब शादी .com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मन चाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है, आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मन चाहा रिश्ता पाएं। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। राजनीति से लेकर